हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीना ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं रोटेटर कफ इंजरी या टीयर, जिसे आम भाषा में बोलते हैं हम कंधे में होने वाला दर्द। फ्रेंड, क्लिनिकली हमने कई पेशेंट देखे हैं, जैसे कि कई टूर्नामेंट अनाउंस होते हैं, अनाउंस होने के बाद में जो वहाँ के प्लेयर रहते हैं या फिर जैसे कि कोई भी इच्छुक है वो टीम की तरफ से खेलना चाहता है, तो एकदम से सडनली माइलेज बढ़ा देते हैं, यानी ओवर यूज ऑफ द मसल करता है। किसका? हमारे शोल्डर के मसल के, जिसकी वजह से वहाँ पर कई तरह की इंजरी देखने को मिलती है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स के दौरान थ्रो करना, आपका बॉलिंग करना हो गया, या फिर आपका स्पोर्ट्स के दौरान गिरना भी हो जाता है। तो यहाँ पर कई तरह से यहाँ पर रोटेटर कफ इंजरी देखने को मिलती है। शुरू करते हैं रोटेटर कफ इंजरी या टीयर के बारे में। फ्रेंड, जैसे हमने आम भाषा में बोला, इसे शोल्डर में होने वाला दर्द। अब फ्रेंड, जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स होती है वह यहाँ पर चार मसल पाई जाती है, जो कि हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारा शोल्डर जॉइंट किससे बनता है, हमारा शोल्डर जॉइंट होता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। होम रेस्ट का तो हमारा होता है बॉल, और जो हमारा जो स्केपुला होता है उसकी एक कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं वहाँ पर सॉकेट। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यह हमारा 360 डिग्री मूवमेंट भी करवाता है, और इतनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है यहाँ पर हमारी मसल्स, जो कि हमने बात करी फोर मसल। और फ्रेंड, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके अलावा इनका एक्शन क्या होता है, यानी शोल्डर में किस तरह का ये मूवमेंट करवाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस जो हमारी मसल्स होती है, ये हमारी जो पीछे से जो हमारी स्केपुला होती है वहाँ पर स्पाइन होती है, स्पाइन के ऊपर की ओर सुप्रा स्पाइनेटस मसल पाई जाती है। अब जिसका एक्शन क्या हो गया, लिफ्टिंग ऑफ द आर्म, यानी आर्म को उठाना, या फिर जिस तरह से आप अबडक्शन करते हो, यानी अबडक्शन के मूवमेंट में इसका असिस्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पे आती है इंफ्रा स्पाइनेटस। अब इंफ्रा स्पाइनेटस क्या करती है, इंफ्रा स्पाइनेटस जैसे कि आपके आर्म को लिफ्ट भी कराती है, और साथ में यह करा कि आपका एक्सटर्नल रोटेशन, यानी इस तरह से आपका एक्सटर्नल रोटेशन होता है, या फिर इस तरह से आपका एक्सटर्नल रोटेशन होता है। तो उसी तरह से टेरिस माइनर, अब टेरिस माइनर भी यहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन कराती है, जो कि इस तरह का आपका यहाँ पर रोटेशन बनता है। उसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है इसके पोलरिस मसल, जो आपके शोल्डर का इंटरनल मूवमेंट करवाती है, यानी इंटरनल रोटेशन। तो इस तरह से ये मसल आपके शोल्डर का, जैसे कि आपको हाथ का उठाना हो गया, आपका अंदर की ओर घुमाना, बाहर की ओर घुमाना हो गया, तो इनमें इन मसल्स का रोल होता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर इंजरी कैसे हो सकती है? तो फ्रेंड, जैसे कि आपके स्पर्श के दौरान आपके गिरने की वजह से आपको इंजरी हो सकती है, या फिर आपके आउट स्ट्रेच हैंड बल गिरने की वजह से हो सके, या फिर आपका रिपीटेटिव जैसे आपका बॉल करना, आपका थ्रो करना, आपका ओवर ट्रेनिंग पीरियड, या फिर ओवर यूज ऑफ द मसल, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आप जल्की मूवमेंट, यानी झटके वाले मूवमेंट करते हो, बार बार इस तरह से झटका देना, तो उसकी वजह से यहाँ पर कभी कभार माइक्रोट्रोमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि जॉइंट के आसपास में आपके जैसे कि बोन स्पूल बन जाना, उसके ऊपर वहाँ पर मसल का फ्रिक्शन करने की वजह से वहाँ पर इंजरी बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आपका पुअर पोस्चर, जैसे रात को सोते हो तो उसकी लगातार यूँ सोने की वजह से आपके शोल्डर की मसल वीकनेस होती जाती है। उसके अलावा आपका सर्कुलेशन कम होने की वजह से भी आपको रोटेटर कफ इंजरी की संभावनाएं बन सकती है। अब फ्रेंड, बात करें कॉमनली, यानी कॉमनली इंजरी आपको कौन सी मसल्स की होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स होती है ज़्यादातर उसकी इंजरी देखने को मिलती है। फ्रेंड, बात करें कंप्लेन, यानी जब भी किसी को इस तरह की इंजरी होती है तो आप उसे क्या क्या समस्याएं दिखाई देती है। तो इंफ्लामेशन, यानी आपके जब इंजरी होने पर वहाँ पर इंफ्लामेशन बनता है, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, शोल्डर का थोड़ा सा स्टिफ हो जाना, आपका लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट हो जाना। उसके अलावा जैसे कि आप थोड़ा सा मूवमेंट रेजिस्टेड करते हो, रोकते हो, क्योंकि आपको मूवमेंट के दौरान वहाँ पर पेन बन रहा है तो उसको भी आप रोकते हो। उसके अलावा कभी कभार ये कंपनसेटरी मूवमेंट हो जाता है, यानी कहने के अलावा पेन होता है, आप कभी शोल्डर को ऊपर कर लेते हो, कभी नीचे कर, कभी लटकाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर कंपनसेटरी पेन जो बनता है, जैसे कि वो आपको पर्टिकुलर जैसे शोल्डर के साथ साथ, या फिर यहाँ पर नहीं बने, आपको डायरेक्ट आर्म में आपको पेन बनने लगे, आपको हो सकता है इसके पुला जो हमारा पोर्शन है ट्रेपेजियस वहाँ पर पेन बनने लगे, तो इस तरह के यहाँ पर साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। अब फ्रेंड, बात करें डायग्नोस,
यानी इसे किस तरह से डायग्नोज किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले तो कुछ फिजिकल एग्जाम किए जाते हैं, जैसे कि आपका ड्रॉप आर्म टेस्ट, यानी इस तरह से आपका आर्म रखा जाता है वो बार बार गिर जाता है। उसके अलावा आपका एक्सटर्नल मसल जो रहती है उसको मैनुअली फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा चेक किया जाता है या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा चेक किया जाता है कितना पावर लग रहा है, तो वहाँ पर वीकनेस भी इंडिकेट होती है। उसके अलावा यहाँ पर पेनफुल आर्क टेस्ट यानी हाथ उठाकर देखा जाता है भाई किस रेंज में पेन हो रहा है, फिर ओवर अबडक्शन होने के कारण पेन कम हो रहा है नहीं हो रहा। उसके अलावा जैसे आपकी जो पर्टिकुलर मसल जैसे टेरिस माइनर स्केपुलिस मसल को भी एग्जामिनेशन कर लिया जाता है, उनकी मसल्स की पावर भी देख ली जाती है भाई कितनी पावर है फ्रेंड। उसके अलावा यहाँ पर आपके एक्सरे करवाए जाते हैं जो कि एयर रिलेटेड जैसे कि डीजनरेशन वगैरह दिखाई दे सकते हैं, ऑर्थराइटिस वगैरह दिखाई दे सकते हैं, तो वो अलग चीज़ थोड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मस्कुलर स्केलेटल यहाँ पर अल्ट्रासाउंडोग्राफी भी कराई जाती है, यानी अल्ट्रासाउंड गाइडलाइन कराई जाती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर कराई जाती है सबसे अच्छे तरह से तो आपकी MRI, जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है भाई यहाँ पर इंजुरी है तो किस तरह की इंजुरी, माइक्रो ट्रॉमा है तो कितने माइक्रो ट्रॉमा है, तो वहाँ ओपिनियन भी बन जाता है किसी को सीवियरिटी है या कितनी है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें MRI में देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड थोड़ा सा हम सीवियरिटी की बात भी कर लीजिए, सीवियरिटी मतलब आपका पेन रेंज ऑफ मोशन कितना है। तो जैसे कि सीवियरिटी में जैसे कि माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पर जैसे इंजरी हुई तो यहाँ पर आपको स्प्रेन हो सकता है, स्टेन हो सकता है। उसके अलावा जो टीयर देखा जाता है तो वो MRI में दिखाया जाता है भाई यहाँ पर आपको पार्शियल टीयर है या हाई ग्रेडेड टीयर या फिर कंप्लीट टीयर है, तो उसी के अलावा डॉक्टर का एक ओपिनियन बनता है भाई इसको जैसे मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाए, कंप्लीट टीयर में जैसे सर्जरी का ओपिनियन बनता है तो सर्जरी में क्या चीज़ कराई जाए और कितने दिन के, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी जाए भाई आपको कितने दिन का रेस्ट करना होता है, फिजियोथेरेपी में किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, तो सारी चीज़ें इसी के आधार पर यहाँ पर ट्रीटमेंट तैयार होता है। अब फ्रेंड बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, फ्रेंड ट्रीटमेंट क्योंकि डॉक्टर आपका जैसे कि आपकी कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन के बाद में वो आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट आपको लिखा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले बात करेंगे NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, यानी एक तरह से पेन किलर आपको दी जाती है, उनके साथ में आपको गैस्ट्रिक रेजिस्टेंस ड्रग दी जाती है। उसके अलावा आपको जैसे कि ओएल हो गया या फिर जेल हो गया या फिर स्प्रे हो गया उसका भी आपको एडवाइस किया जाता है, यानी वो भी लिखा जाता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि यह है अभी अक्यूट फेज के अंदर आपको करना क्या है, जैसे कि रेस्ट करना है, अब रेस्टिंग करना है और साथ ही वहाँ पर आइस मसाज 3-4 आवर में 10 मिनट के लिए आप वहाँ पर आइस मसाज करें जो कि आपके सर्कुलर मैनर में होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके ऐड कर दिया जाएगा ब्रास में, जैसे कि आपको हाथ इस तरह से स्लिंग के अंदर रखना है ताकि उसका मूवमेंट नहीं हो और जो इन्फ्लामेशन बना है वो जल्दी जल्दी आपका कवर हो। तो ये तो हो चुका आपका जैसे कि मान के चल अक्यूट फेज के बाद में फ्रेंड यहाँ पर आपको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है जो कि आ जाता है इसका एक सेकेंड फेज। अब सेकेंड फेज में फिजियोथेरेपी में जैसे एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर एक्सरसाइज होगी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टैंडिंग एक्सरसाइज वगैरह की जाती है जो कि डिपेंड करेगा आपकी MRI की रिपोर्ट किस तरह से रही, जैसे यहाँ पर कंप्लीट टीयर नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको पार्शियल टीयर मान लिया, उससे कम टीयर है, तो फिजियोथेरेपी में यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मोडलिटी का यूज़ किया जाए जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, लेजर हो गया, उसके अलावा लॉन्ग वेव डाइथर्मी होगी, पल्स एल्टीट्यूड हो गया, तो इस तरह का इनका भी यूज़ किया जो कि हॉट फोमेंटेशन मोडलिटी होती है जो कि आपको इंजरी में हीलिंग में काफ़ी अच्छा इनका रोल होता है। फ्रेंड मान के चलो जैसे कि पार्शियल टीयर लगभग इसी ट्रीटमेंट से इनको आराम आ जाता है, अगर फ्रेंड उसके बाद भी यहाँ पर ट्रीटमेंट से आराम नहीं हो तो यहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, उससे आराम मिल जाता है लगभग हालांकि मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड अगर जैसे कि मान के चलो इससे भी आराम नहीं मिला, अगर फिर भी उसके माइक्रोट्रोमा बने हुए हैं और कंप्लीट टीयर है या फिर हाई ग्रेडर वहाँ पे टीयर, तो यहाँ पर कभी कभार ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी की सलाह दी जाती है जो कि एक कैमरे के द्वारा यहाँ पर सर्जरी की जाती है जिससे यहाँ पर फिर से जो माइक्रोट्रोमा है उनको निकाल दिया जाता है, देन उसको मसल को वहाँ पर सुचर कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन का आपको रेस्ट करना होता है, देन उसके बाद में आपको फिर से फिजियोथेरेपी एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लेना है जिसके बाद फिर से आप अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। फ्रेंड अब यहाँ पर जैसे कि मान के लो सेकेंड ग्रेड टीयर है तो यहाँ पर आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसका वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन से आप उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।